तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ में। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि अल्पतमांग में त्रुटि क्या होती है। अगर आपने हमारी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं तीन चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ क्या है? निरपेक्ष त्रुटि, दूसरी है आपेक्षिक त्रुटि और तीसरी चीज़ है प्रतिशत त्रुटि। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये त्रुटियाँ क्या होती हैं। तो त्रुटियों के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि त्रुटि का मतलब होता है मिस्टेक, यानी कि गलती। और अब ये गलतियां कितने प्रकार की होंगी? तीन प्रकार की होंगी, निरपेक्ष, आपेक्षिक और प्रतिशत। तो इन तीनों के बारे में हम वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। तो निरपेक्ष त्रुटि की आपको डेफिनेशन जो है फोटो में मैं सेंड कर दूंगा, उसमें से देख करके आप लोग उतार लेनी है। बाकी मैं थोड़ा सा बोल के लिए समझा देता हूँ इसकी डेफिनेशन को। इसकी डेफिनेशन होती है कि व्यष्टिगत मान। व्यष्टिगत का मान का मतलब होता है जो चीज हम नापते हैं एक भी बार, अगर मैंने इस मार्कर की लंबाई को नापा है तो वह व्यष्टिगत मान कहलाएगा। यानी कि नापा हुआ कुछ मान तो आया होगा, मान का कुछ वैल्यू आई होगी, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कुछ तो आया होगा, वह कहलाता है व्यष्टिगत माप। तो व्यष्टिगत माप और व्यष्टिगत माप के माध्य के अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। समझ में नहीं आया? कोई परेशानी नहीं है, अभी समझाऊंगा। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई जनरल सी, जो आपको फोटो सेंड कर दी जाएंगे वहां पर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये त्रुटि होती क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? हमें माध्य के बारे में जानना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमारी परिभाषा में आया भी है। तो माध्य जानते हैं सबसे पहले। अच्छा, निरपेक्ष त्रुटि के बारे में बता देता हूँ कि इसका और माध्य का संबंध क्या है, उसके बाद मैं माध्य के बारे में क्लियर करूंगा। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब होता है, निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है ए माध्य, और इसे डेल्टा ए से लिखते हैं। इसे डिनोट करने का तरीका होता है डेल्टा ए। ये डेल्टा होता है, ये बिल्कुल इस तरीके से बनता है, ठीक, डेल्टा ए। और इसका मतलब क्या होता है? ए माध्य माइनस ए एन। ए एन का मतलब होता है कि यहां पर कोई भी एन का मतलब होता है यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है। एन का मतलब एन A1 हो सकता है, A2 हो सकता है, A3 हो सकता है। तो ये A1, A2, A3 क्या होते हैं ये भी बताऊंगा। केवल आपको ये क्या करना है, फॉर्मूला लिखा हुआ है एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो आपको नोट कर लेना है। तो अब हम समझते हैं कि A माध्य क्या होता है, A1, A2 ये सारी चीजें होती क्या है। मान लो मैंने आपको ये एक लाइन दी है नापने को, सभी बच्चों से कहा है, जो कि टोटल 4 बच्चे हैं। मैंने एक एक करके कहा कि सभी से इसे नाप के दिखाओ, मैं आपको स्केल देता हूं। सबसे पहले पहला बच्चा आया, तो जब पहला बच्चा आएगा वो जब इसे नापेगा तो वो रीडिंग A1 कहलाएगी, ठीक है। हम जितनी बार नापते रहेंगे वो उतना ए बन जाएगा। पहला बच्चा आया, उसने नापा, उस रीडिंग को हम क्या कहेंगे? A1। और उसने A1 नापा तो ये आया 12 सेंटीमीटर। कितना आया? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अब दूसरा बच्चा आया, दूसरे बच्चे ने इसे नापा तो वो क्या कहलाएगा? A2। उसने नापा इसे 13 सेंटीमीटर। चौथा बच्चा आया, वो क्या कहलाएगा? सॉरी, गलत। तीसरा बच्चा आया, उसने नापा, वो क्या कहलाएगा? 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरे बच्चे ने जो नापा वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। चौथा बच्चा आया, वो रीडिंग क्या कहलाएगी? A4। और वो कितना कहलाएगा? वो कितना आया? 11 सेंटीमीटर। तो भाई, 4 बच्चों ने इसे नापा और सबने अलग अलग मान बताया, और मैं समझ गया कि चारों बच्चों में से किसी से भी ढंग से नहीं नापना है, सबने कुछ ना कुछ गलती की है। गलती यानी कि मिस्टेक, यानी कि त्रुटि। त्रुटि को ही हम क्या कहते हैं? गलती। अब मैं समझ गया कि इन सब में किसी ने त्रुटि जरूर की है, या फिर ये कह सकते हैं कि सभी ने त्रुटि की है ना, क्योंकि सबके मान अलग अलग आ रहे हैं। अब इस त्रुटि का निरपेक्ष त्रुटि से क्या ऐसा संबंध होता है, हम उसके बारे में जानते हैं। तो इनमें पहले वाले बच्चे की माप 12, दूसरे वाले की 13, तीसरे वाले की 14 और चौथे वाले की 11 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका माध्य निकालेंगे, ठीक है। माध्य क्या होता है? माध्य का एक सूत्र होता है, अगर कुछ बच्चे जो मैथ वाले होंगे उन्हें शायद पता भी होगा कि उन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा बारंबारता वाला, तो उसमें माध्य निकालना सिखाया गया था। तो माध्य जो होता है वो होता है
और जितने भी नंबर हैं ये, जितने भी आपको ये नंबर देख रखे हैं, इन सबको जोड़ दो। कितना है? 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 11। यानी कि हमें जितनी नाप हमारी आती हैं, जितनी भी वैल्यू आई हैं, इन सबको जोड़ दो। 12 13 14 प्लस 11। और कितने नंबर थे टोटल? 1 2 3 4। 4 से भाग दे दो। यानी कि माध्य निकालने का तरीका होता है सभी को जोड़ें और जितने नंबर थे टोटल उन सभी से भाग दे दें। तो हमने इन सबको जोड़ा और 4 से भाग दे दिया। अब ऊपर वालों को जोड़ो सभी को, 13 और 11 और 12 और 14, टोटल 50 हो जाएंगे, बटे में 4। इससे भाग देना जरा, तो 4 4 4 12.5। तो ये 12.5 क्या आ गया? ए माध्य। ये क्या आ गया? ए माध्य। ठीक है, तो हमने माध्य निकालना तो सीख लिया। अब निरपेक्ष त्रुटि में और माध्य में क्या संबंध है, हमें यहां से दिखाई दे रहा है कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा से डिनोट करने से ये कितनी होती है? ए माध्य माइनस ए एन। अब इसका मतलब क्या होता है कि सपोज मैं पहले वाले बच्चे की प्रतिशत निरपेक्ष त्रुटि निकालना चाहता हूं। पहले वाले बच्चे की माप कितनी है? 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या चाहते हैं हम? निरपेक्ष त्रुटि। माप 12 सेंटीमीटर, निकालना निरपेक्ष त्रुटि चाहते हैं। तरीका ये होगा कि A1, बल्कि हम कहेंगे डेल A1, क्योंकि यहां पर डेल है ना, डेल A1 बराबर हो जाएगा ए माध्य माइनस A1। यानी कि ए माध्य हमारा कितना है? 12.5 और A1 कितना है? 12। टोटल कितना आ जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। यही क्या है 0.5 सेंटीमीटर? ये आपकी निरपेक्ष त्रुटि है। ये क्या कहलाती है? निरपेक्ष त्रुटि। ऐसे ही आपको A2 भी निकालना है और A3 भी निकालना है, A4 भी निकालना है, A5 भी निकालना है। तो मैं ऊपर वाला रफ कर सकता हूं शायद। अब हमें क्या निकालना है? हमें A2 निकालना है, डेल A2 यानी कि दूसरे वाले की निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है। कितनी हो जाएगी? 12.5 माइनस के 13। ये वाला नंबर बड़ा है तो बड़े में से हम छोटा घटाएंगे, इसलिए कितना जाएगा? माइनस के 0.5 सेंटीमीटर। ये किसकी निरपेक्ष त्रुटि हो गई? सेकंड वाले की। अब थर्ड वाले की देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि। ये डेल्टा A3 कितनी हो जाएगी? 12.5 माइनस के 14, तो ये हो जाएगी माइनस के 1.5 सेंटीमीटर। ये किसकी हो गई? ये हमारे थर्ड वाले की हो गई। अब फोर्थ वाले की देखते हैं, डेल A4, तो कितना आ जाएगा? 12.5 माइनस के 11, कितना आ जाएगा? 1.5। ये 1.5 सेंटीमीटर क्या आ गया? ये हमारा चौथे वाले की निरपेक्ष त्रुटि आ गई। तो यही क्या होता है? निरपेक्ष त्रुटि निकालने का तरीका होता है कि आपको सबसे पहले सभी मानों को निकालना है, सभी की माप पता करनी है, फिर उन सभी माप को जोड़ देना है और जितनी बार आया, जितनी बार आपने माप लिए उससे डिवाइड कर देना है, तब हमारा ए माध्य निकल करके आ जाएगा। उस ए माध्य में से आपको 1 by 1 करके उन नंबरों को घटाना है, तो एक एक करके सारी निरपेक्ष त्रुटियां निकल करके आ जाएंगी। सबसे पहले हमने A1 की निरपेक्ष त्रुटि निकाली, फिर A2 की, फिर A3 की, फिर A4 की, सारी ही निरपेक्ष त्रुटि निकल करके आ गई है। तो ये तो बात हुई निरपेक्ष त्रुटि की। अब आपेक्षिक त्रुटि क्या कहलाती है? ये वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है, इसलिए मैं इस वीडियो में केवल आपेक्षिक त्रुटि के बारे में और बता देता हूँ, उसके बाद में हम इसे रफ कर देंगे, है ना? फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी सब आगे का। तो अब A1 का मान कितना है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 0.5। A2 का मान कितना है? माइनस के 1.05, माइनस के 0.5, माइनस के 1.5 और माइनस प्लस के 1.5। ये किसके मान है? A1, A2, A3 और A4 के। आपेक्षिक त्रुटि क्या कहती है? डेफिनेशन तो मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा, वहां से मिल जाएगी। आपेक्षिक त्रुटि, तो आपेक्षिक त्रुटि आपसे ये कहती है कि जो आपके ये निरपेक्ष त्रुटियां निकल करके आई हैं, निरपेक्ष त्रुटि यूं
का माध्य आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो मुझे, हो सकता है थोड़ा सा छोटा हो, एक काम करता हूँ कैमरा पास में ले आता हूँ, जूम हो जाएगा। ठीक है, उतार लिया आप लोगों ने। तो क्या समझे आप लोग, निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। अब निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य क्या होगा, ये जो आपकी त्रुटियां आई हैं 0.5 सेंटीमीटर माइनस 0.5 सेंटीमीटर माइनस 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, इन सबका माध्य निकालना है, वही क्या कहलाएगा, आपेक्षिक त्रुटि कहलाएगा। कैसे निकालेंगे, आपेक्षिक त्रुटि बराबर आपेक्षिक त्रुटि को लिखेंगे हम डेल ए से। ठीक है, डेल ए बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ो माइनस के 0.5, ठीक है, माइनस के 0.5 माइनस के 0.1.5, ठीक है, और यहां पर प्लस के, देखो जो चीज माइनस की है उसे, एक काम करता हूं मैं इसे रफ कर देता हूं, ये तो आप लोगों ने उतार ही लिया होगा। देखें यहां पर डेल ए, ये क्या है, यहां पर आपेक्षिक त्रुटि है, आपेक्षिक त्रुटि, डेल ए बराबर कितना हो जाएगा, ए वन कितना है 0.5, ए टू कितना माइनस के 1. माइनस के 0.5, ए थ्री कितना है माइनस के 1.5, और ए फोर कितना है 1. प्लस के 1.5, यानी कि जो जो जैसा जैसा जिस जिस निशान के साथ में था हमने वैसे ही रख दिया, और टोटल कितने हैं 1, 2, 3, 4, चार नंबर है, चार से डिवाइड कर दिया। आपको पता है इससे तो ये कटा, ये प्लस का है माइनस का है, ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कटा, और ऊपर कितना गया 0/4, तो टोटल कितना आ गया आपका 0। तो यहाँ पर डेल ए बराबर कितना आया 0, ये क्या कहलाएगा आपका, आपेक्षिक त्रुटि, क्या कहलाएगी, आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, ये आपकी आपेक्षिक त्रुटि कहलाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और प्रतिशत त्रुटि के बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको आज के लिए इतना ही दिया जाता है, और होमवर्क अगर कुछ देना होगा तो मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा। और सभी बच्चे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस टाइम ऑनलाइन आना है, सभी को टाइमिंग भी बता दी है 4 बजे की, तो सभी लोग 4 बजे ऑनलाइन मिलें, और जो भी डाउट आपको हो वो आप मुझसे ऑडियो के द्वारा मैसेज करके कैसे भी पूछ सकते हैं, और उस चीज़ का मैं पूरी कोशिश करूँगा उस चीज़ का आपको सॉल्यूशन देने का। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर।